तो मैंने आप सभी को एक पिछले वाला वीडियो में बताया था आप सभी को डॉक्यूमेंट के बारे में और एज के बारे में, और उसमें संपूर्ण जानकारी दिया था कि मतलब कैसे उसमें एडमिशन लिया जाएगा, कब तक उसका लास्ट डेट था, कितना पेमेंट लग रहा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा था। उसमें मैं आप सभी को कंप्लीट जानकारी दिया है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखकर पूरा कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। मैं इसमें केवल बताऊंगा कि इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है, आपको गलती कहीं ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आना। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक यहाँ पर पंजीकरण का सेक्शन दिख रहा है, जो यहाँ पर लिखा गया है पंजीकरण करने के। यहाँ पर क्लिक करें और इस वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है हिंदी या तो इंग्लिश, यहाँ पर कोई भी चूज कर सकते हैं आप, जिसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे और नीचे आने के बाद रीडायरेक्ट थोड़ा सा आ जाना है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो मैंने आपको पिछले बार भी इंस्ट्रक्शन बताया है। यहाँ पर जैसे कि दिया गया यहाँ पर बेसिक डिटेल, इसके बाद पेरेंट डिटेल, इसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके बाद डिक्लेरेशन सबमिट करना है। तो पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद लॉगिन के बाद फील्ड एडमिशन फील करना है। तो उसके लिए मैं आपको इसके सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़े वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे का ऑप्शन शो कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से फॉर्म भरने का आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम डालना है, जिस बच्चे का आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम। जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, तो यहाँ पर मैं रोशन डालूंगा, इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम में कुमार, इसके बाद यहाँ पर पंडित। तो उस तरह से यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चे दिव्यांग हैं या नहीं, आप अपने अनुसार यहाँ पर फीडबैक देख सकते हैं हाँ या ना। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर नो पर क्लिक, अगर होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ बच्चे का जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है इस वाले बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर बच्चे के केंद्रीय विद्यालय संगठन से कर्मचारी, बच्चा या पौत्र जो भी होंगे, पौत्र आपको यहाँ पर चूज कर लेना है ऑप्शन को। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का सेक्शन है, इसमें मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर कैप्चा कोड का, इस वाले कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं डिटेल फिल करके रजिस्टर करके शो कर देता हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर आप इस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जिनमें से आपका होगा, अगर बच्चे का इम्प्लाई, अगर उनके माता या पिता कोई होंगे तो इसमें आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अब नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर, मैं सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। इसके बाद रजिस्टर वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर वाला सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी का जो यहाँ पर आपका जो मोबाइल दिया गया है, मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आया तो यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक कर लेंगे। मैं ओटीपी फिल कर चुका हूँ, इसके बाद वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक कर लूँगा। आप जैसे ही वेरीफाई वाला पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका पंजीकरण यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पंजीकरण हैज़ बीन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर मेरा यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप इस डिटेल के अनुसार यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया, डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं आपको क्लिक हेयर वाले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये है एक क्लिक हेयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर कोड डालना है, इसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि डालेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा ये वाला आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर जो यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद क्या करना है कि आपको लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। मेरे यहाँ पर कैप्चा कोड गलत हो चुका है, मैं यहाँ पर दोबारा से कैप्चा कोड फिलअप कर लेता हूँ। आप एक बात पर ध्यान देंगे, जो भी कैप्चा कोड जिस तरह से दिखेगा आपको, उसी तरह से आपको कैप्चा कोड बिल्कुल भर लेना है जिस तरह से आपको लिखा गया है। इसके बाद लॉगिन, मैं पेज में लॉगिन हो चुका हूँ। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका यहाँ पर बेसिक डिटेल जितने अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेल या फीमेल होंगे अपने अनुसार। यहाँ पर पारिवारिक का आय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका होगा। यहाँ पर जैसे कि बीपीएल होंगे, ईडब्ल्यूएस से होंगे, जो भी आप होंगे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं भी यहाँ पर बीपीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बीपीएल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर देना होगा। बीपीएल के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र देना होगा, आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर इस वाले में सेक्शन में अगर आप नहीं बिलोंग करते हो, तो आपको वो सब अगर डिटेल नहीं आपके पास है, तो यहाँ पर कम आय वर्ग अंतर्गत नहीं है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जाति हो, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी या क्रीमी लेयर, अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप आपको मालूम है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिर कर चुका हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेरेंट का डिटेल आ जाएगा, फिलअप करेंगे। जो भी आपका पेरेंट होंगे, पेरेंट का अपना नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप पेरेंट के, यहाँ पर माता का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपका माता का पूरा नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, इंडियन है आपको क्या। और इसके बाद यहाँ पर फादर में उसी तरह से सेलेक्ट करना है, जिस तरह से मतलब यहाँ पर मदर में सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन ऐसा दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्या आप मतलब जो एड्रेस है, माता का एड्रेस, जो पिता का एड्रेस, दोनों सेम है, तो यहाँ पर हाँ वाला पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों का एड्रेस अगर अलग अलग है, जैसे माता और पिता का एड्रेस अलग है, तो नहीं वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोनों का मेरा एड्रेस सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हाँ वाला पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सारा डिटेल पहले क्या करना है कि पहले आपको फिलअप करना होगा। पहले फिलअप करने के बाद यहाँ पर हाँ या ना पर क्लिक करना होगा। जैसे ये वाला पूरा ये कोई डिटेल अगर फिलअप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर यस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सभी डिटेल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस पूरा, इसके बाद पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क, कोई टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा गया, यदि माता काम करती हैं तो कृपया उनकी जानकारी दें, क्या काम करते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सारा डिटेल इस तरह से आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन में आप जो भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर छोड़ कर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर चुका हूँ। इसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तीन ऑप्शन यहाँ पर स्कूल का नाम आता है सेलेक्ट करने, आप किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पर चूज स्टेट पर क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट से आप होंगे उस स्टेट का यहाँ पर चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में जो भी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर चुनाव कर लेना, जिस तरह से आपको पहला वाला में सेलेक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर पहला यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आप स्कूल का नाम रखना चाहते हैं जो सिलेक्ट में, तो जो भी आपका स्कूल कॉलेज यहाँ पर नज़दीकी में होगा, जिस बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं उसका, अगर नज़दीकी में जो भी कॉलेज होगा उस कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक नज़दीकी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसी तरह से यहाँ पर आपको सारा लोकेशन भी आ जाएगा, कहाँ पर ये है, यहाँ पर रीजन कहाँ से है, यहाँ पर NPCGL, यहाँ पर रूलर यहाँ पर दिया गया, निवासी के दूर की यहाँ पर दूरी कितना किलोमीटर के अंदर रखना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मैप के अनुसार 8 किलोमीटर के कम या बराबर है या 8 किलोमीटर से अधिक है, तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा कम है तो यहाँ पर यानी कि मेरे अंडर में है, यानी कि 8 किलोमीटर के अंडर में है। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल कुछ फिलअप करना है, जैसे सेवा में प्राथमिकी चूज करना है, यहाँ पर क्या आपके सेवा प्राथमिकी श्रेणी भरने की मदद चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कूल का नाम उसी तरह से सेलेक्ट कर लेना, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वाला स्कूल सेलेक्ट कर बताया था, ये वाला उसी तरह से पहले स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, जो ये नीचे वाला प्रोसेस है मैं इसका कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा समस्या आता है सभी को, तो यहाँ पर आप कंप्लीट जानकारी के साथ देखेंगे। पहले ये वाला कंप्लीट मैं कर लेता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समस्या आता होगा, जैसे यहाँ पर स्कूल का नाम सेलेक्ट करते हैं तीनों, तो तीनों में ये वाला समस्या आता होगा, सभी को सेलेक्ट करेंगे तो समस्या यहाँ पर सोल्यूशन जल्द ही मिल जाएगा। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, यानी हाँ वाला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम चूज करेंगे, इनमें से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी इसमें से कोई काम करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने अनुसार। अगर कोई काम अगर नहीं करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर खुद का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह जो भी करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस ETC पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय की स्थिति यहाँ पर दिखा जाएगा। यहाँ पर ना वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और ना पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चिल्ड्रेन वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्लूड ले लेगा। इसके बाद नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर सेकेंड वाला में भी चूज करना है, उसी तरह से सभी में इसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है तीनों वाला में इस तरह से। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह से मैं पहले वाला में सेलेक्ट किया हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों में वही सिलेक्ट किया है जो मैंने आप सभी को बताया, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया था उसी तरह से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाया हूँ आप सभी को, जैसा कि यहाँ पर आपको सभी को दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने तीनों में वही सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पर उसी तरह से इस तरह से सेलेक्ट करना है, अगर कोई खुद का अगर बिजनेस करते होंगे तो, अगर इनमें से कोई अदर होंगे तो अदर अपने अनुसार चूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले सेक्शन, क्योंकि मैं सारा डिटेल यहाँ तक मैं फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बच्चे का प्रमाण पत्र डालना है, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र है बच्चे का,
इस वाला जो यहाँ पर लिखा गया है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है, अपलोड करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में डालना है या जेपीजी फाइल, मैक्सिमम आपको 256 KB का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो इस वाले सेक्शन में डालेंगे। यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और भी सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है क्या क्या है, यहाँ पर आप पूरी तरह से यहाँ पर रीड कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो भी आपने स्कूल अभी तक सेलेक्ट किया है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप क्या क्या अभी तक फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। मैं सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाल लिया हूँ। इसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर हो जाएगा। और व्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे व्यू पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र डाला था, यहां पर अपलोड हो गया है। इस तरह से देखेंगे और यहां पर ये फोटो डालने के बाद यहां पर भी इसी तरह से डालेंगे। यहां पर डाउनलोड सक्सेस हो जाए, यहां से व्यू पर करके यहां पर देख सकते हैं फोटो को। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। जो भी आपका डिटेल अभी तक गलत है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं बैक आकर। अगर आपका नहीं होता है तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू देखने का ऑप्शन है, सभी डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। जो भी डिटेल मैंने आप सभी को दिखाया है, यहाँ तक जो भी मैंने फिलअप किया, यहाँ पर अभी सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक सेक्शन है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन लगाना है टिक बॉक्स यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू अगर करना चाहते हैं, पिछले वाला डिटेल देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर प्रीव्यू अगर जितने अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर सेव प्रीव्यू पर करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू वाले पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी डिटेल जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर दिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है सबमिट अप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आपको सबमिट हो जाए, जैसे मैं यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव मेरा हो चुका डाटा, ओके करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो भी मैंने डिटेल अभी तक फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर, सभी डिटेल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से डिटेल को। यहाँ से देखने के बाद आपको क्या करना है कि आ जाना है यहाँ पर तो फिर से आप इस वाले पेज पर चले आएंगे जहाँ से आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ आपको ई वाला पेज आ जाएगा, सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। फर्स्ट वाले पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है कि सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट करने के लिए यहाँ पर यस या नो पूछा जा रहा है। अगर अभी तक आपका गलत है, यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप अभी सुधार कर सकते हैं। यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका सबमिट हो जाएगा, कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा डिटेल यहाँ पर सारा सही है, यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जा रहा है। यहाँ पर OTP फिर से आपको डाल लेना है। OTP जो भी आएगा आपका, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP जाएगा। OTP को फिर से वेरीफाई करके और यहाँ पर वेरीफाई OTP जाएगा और यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। मेरा OTP आ चुका है, इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। मेरे यहाँ पर OTP गलत डाला हुआ है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं OTP दोबारा से यहाँ पर OTP को फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा OTP हैज़ बीन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से प्रिंट अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक आपने फिलअप किया वो आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक सबसे नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। मन में किसी भी तरह के सवाल होगा तो आप ही हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे। आप कहीं भी आपको अगर ये फॉर्म भरने में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द ही सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।